आमना सामना मीडिया नेटवर्क की सिलसिलेवार खुसूसी पेशकश तहरीक आजादी और मुसलमान। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहरीक आजादी और मुसलमान हिस्सा नंबर 3 में आपका इस्तकबाल है। उन्वान है गलत क़यादत का तबाहकुन नतीजा। आज हम जिन हालात से गुजर रहे हैं वह हमारी जज्बाती सियासत, गलत और गैर मुखलिस क़यादत का समरा है। हमने क़यादत के इंतखाब में होश के बजाय जोश से मशवरा लिया और उसी की रहनुमाई में चल पड़े। क़यादत के खलूस और सदाकत को परखा नहीं और आगे बढ़कर ज़माने क़यादत उसके हाथों में दे दी। और जब कोई कौम सियासत के मैदान में एक कदम भी गलत उठा देती है तो एक सदी पीछे चली जाती है और उसकी अपनी इस गलती का खमियाजा नस्लन बाद नस्ल भुगतना पड़ता है। हमने 40 साल कबल क़यादत के इंतखाब में जिस गलती का इर्तिकाब किया था, नाज़रीन हम ये कहना चाहेंगे कि मुसन्निफ ने यहाँ पर 40 साल लिखा है, उसकी वजह यह है कि ये किताब जो है 30 साल कबल अशात हुई थी और इसी हिसाब से अगर हम जोड़ें तो 40 साल वो और 30 साल ये, हम ये कहेंगे 70 साल। हम यहाँ पर 70 साल पढ़ेंगे इस 40 साल को, क्योंकि आज भी हालात वही है जो 40 साल कबल थे। हमने 70 साल कबल क़यादत के इंतखाब में जिस गलती का इर्तिकाब किया था आज तक उसी की सज़ा भुगत रहे हैं। ये सज़ा कानून फितरत के लाजमी नतीजे के तौर पर है। इस सदी का सबसे बड़ा सानिया मुसलमानों की क़यादत का गलत हाथों में पड़ना था और इसने जज्बाती फैसले करके कौम को ऐसी राह पर डाल दिया जिस राह में आगे चलकर तबाहियों और बर्बादियों के डेरे थे। आफात मसायब की कांटों भरी वादियाँ थी, आग और खून के दरिया हायल थे। मुसलमान आज उसी राह का मुसाफिर है जिस पर कल उसकी क़यादत ने डाला था। वक्त का धारा मोड़ने की ताकत उसमें नहीं है क्योंकि ये कानून फितरत के ख़िलाफ़ है। क्योंकि जब कौम कोई गलती करेगी तो उसको पूरा खमियाजा भुगतना ही होगा। उसी वजह से हम आज 70 साल से मुसलसल आग और खून के दरिया में डूबते और तैरते गुजर रहे हैं। इस सूरत हाल ने नई नस्ल को यासो कनूतियत का शिकार बना दिया है। उन्वान मायूसी कुफ्र है। मुसलमानों के मज़हब में मायूसी कुफ्र है। यह ऐसी बीमारी है जो कौमों के जिस्म से अज़्म व अमल की तवानाइयों को सल्ब कर लेती है। उस कौम के जज्बात हालात की बर्फीली फिजा में ठिठर कर रह जाते हैं। ज़िंदगी की उमंगें रुखसत हो जाती है और मुसलसल एहसास कमतरी में मुबतला रहकर बतदरीज कार मुज़िल्लत में गिरती चली जाती है, क्योंकि वह हिम्मत और हौसला हार चुकी होती है। और कुदरत का ज़ाब्ता यही है कि जो कौम अपनी ज़िल्लत वह निकबत पर राजी रहकर जद्दोजहद का दामन हाथ से छोड़ देती है तो कुदरत की जानिब से वो मदद से महरूम हो जाती है। इसलिए सबसे पहले मुसलमानों को अपने जहनों से एहसास कमतरी और मायूसी व नाउमीदी को झटक कर दूर कर देना ज़रूरी है। और फिर हालात अब ऐसे मायूस कुन भी नहीं रहे, अब भी हम में मदाफियत की तवानाइयाँ मौजूद है। मसायब को झेल जाने की कुव्वत हमारे अंदर है। मुल्क में ज़हनी और फिक्री इनकलाब की एक नई लहर पैदा हो रही है। जिन ताकतों से हम खौफ खाते हैं उन्हीं से हमारी हिमायत और मदद की एक ऐसी ज़बरदस्त ताकत उभरने वाली है कि अगर हमने अपनी सलाहियत और क़ुव्वत को बरकरार रखा और उससे काम लेते रहे तो यकीन है कि रास्ते का कोहरा हमारे सरों से बहुत जल्द छट जाएगा। अगर कुछ देर है तो इस ज़हनी इनकलाब के नए सूरज के तुल्य होने की है और इसका वक्त अब बहुत करीब आ गया है। हिंदुस्तान के सियासी वक्त पर सुर्खी बढ़ती जा रही है जो इस बात की अलामत है कि एक नए सूरज के तुलू होने का वक्त बहुत करीब आ गया है, जिससे हमारे मुस्तकबिल की राहें रोशन हो जाएंगी और इस मुल्क में हमारा तरक्की का सफ़र कुदरती रफ्तार से शुरू हो जाएगा। उन्वान पेश नज़र किताब। मुसन्निफ असीर अदरोही जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, ये किताब मैंने इसी सफ़र के लिए बतौर ज़ाद राह पेश की है। मैंने हवालों से इस किताब को गिराबार नहीं बनाया है। अलबत्त तारीख़ के जिन वाक़यात और जद्दोजहद की जिन सरगर्मियों को आपके सामने पेश किया है वह मुस्तनद मुसन्निफीन की किताबों से माखूज है। जंग आज़ादी का पूरा दौर तारीख के उजालों में गुजरा है। इसमें गलत बयानी पर ज़्यादा देर तक पर्दा पड़ा नहीं रह सकता है। हिंदुस्तान की 90 साल जंग आज़ादी के मौजू पर हर जबान में इतनी ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं कि कोई शख्स गलत बयानी से काम लेकर हकायक पर पर्दा डालने में कामयाब नहीं हो सकता। इस किताब में हर बाब के आखिर में
शमय आज़ादी के परवाने के उनवान से उन लोगों की निशानदेही की गई है जो उस दौर में उन मुख्तलिफ तहरीकात और जद्दोजहद में मसरूफ़ रहे जिनका इस बाब में जिक्र किया गया है। उन्होंने जंग आज़ादी की राह में कुर्बानियाँ दी, मादर वतन की अजमत व हुरमत और उसकी आज़ादी के लिए अपनी जानें दी है, या रऊसा व उमरा उल्मा व फुजला जो अपने दौर में इंतहाई मौजज़ समझे जाते रहे हैं मगर आज़ादी हासिल करने के जुर्म में गिरफ्तार होकर जेलों में चक्कियाँ पीसी, कोड़े खाए, काले पानी भेजे गए, सफ़ों में खड़ा करके गोली मारी गई, फांसी के तख्ते पर चढ़ाए गए, बरसा बरस बरतानवी जेलों में मुशक्क़तें उठाई। ऐसे अफराद में बेशतर लोगों के नाम मैंने सिटी कॉलेज कलकत्ता के शोबे तारीख के सदर मिस्टर शांति राय की किताब रोल ऑफ इंडियन मुस्लिम इन द फ्रीडम मूवमेंट से लिए हैं, जो अंग्रेजी जबान में 100 सफात के करीब का एक मुख्तसर सा रिसाला है और सरकारी रिकॉर्ड को पेश नज़र रखकर मुरतब किया गया है और इंतहाई मुस्तरद है। बाकिया दूसरे नामों का इजाफा मुख्तलिफ किताबों, रिसालों, अखबारों और जाती मालूमात के बिना पर किया गया है। इस फहरिस्त से मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने वालों को बिलइस्तियाब जिक्र करूँ। मुमकिन है इस फहरिस्त में बहुत से मशायर के नाम भी ना हो, क्योंकि मेरा मकसद है मुकम्मल फहरिस्त बनाना ही नहीं है। अलबत्ता मैंने ये कोशिश की है कि बताऊं कि मुसलमानों के हर तबके में ऐसे लोगों की खासी तादाद थी जिन्होंने तहरीक आज़ादी की राह में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अब अगर चंद अफराद का भी इस तबके के लोगों में से जिक्र आ गया तो इस तबके की निशानदेही हो गई, मेरे लिए काफ़ी था। इस्लाम के कारनामों को आपके सामने पेश करने का मकसद यह है कि आप उनको हमेशा याद रखें, क्योंकि यह आपकी तवानाइयों का सर चश्मा है। मैं चाहता हूं कि मुसलमान अपने इन इस्लाम के जज्बात और कुव्वत अमल का अमीन और वारिस बन जाए और ज़िंदगी की नई राहों पर पूरे खुलूस और एतमाद के साथ गामजन हो जाए और एहसास कमतरी को अपने सफ़ाए जहन से खुरच कर फेंक दे, तभी इस मुल्क में इज्जत की ज़िंदगी गुजारने का हकदार हो सकता है। बस इन्हीं पाकिस्तान जज्बात के साथ ये किताब आपकी खिदमत में पेश है। असीर अदरोही, जामिया इस्लामिया बनारस, 26 जनवरी सन 1988। नाजरीन, तहरीक आज़ादी और मुसलमान की चौथी किस्त के साथ आपके साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।